So I'm pretty excited because I know the team. Jinal is very close to me. I'm a fan of Muni sir, and this is the first web series jiska trial ya preview ho raha hai. So hamare liye bhi ek naya experience hoga ye. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि एक ही मीडियम नहीं रहा या सीरियल या टी वी. वी हैव गॉट न्यू प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा नए टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब अपनी अपनी तरह से. एंड फॉर दिस वेब सीरीज अगेन प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज सब्जेक्ट प्रोमो देख के मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा. इट लुक्स प्रॉमिसिंग. जी जी So all the best to team and pretty excited to watch your series and good luck. Thank you. Thank you. Have you seen the trailer after I was sent to the company? And it looks very beautiful. It's very fresh. And the moment is a very, very old friend. Like, what did you say about and today's premiere? Tikki Miki Live. So, do you wanna say something? I'm very happy about the about this whole setup of, you know, a web series in Gujarati, and it is the first time that something like this is happening. Even a premiere of a web series is happening like this is like something very new. Secondly, I really feel that after the COVID, you know, there is a new platform, or you know, the OTT platforms that have come out is a major thing for all the actors to have a lot of work, you know, in their life. So yes, things have changed, and I see the future, which is going to be digitalized. So there is a lot of change that has happened all of a sudden, globally, whatever happened, and with the COVID times, and here, many more opportunities are coming up, you know, for people, for actors, and it's like here you are catering to people who are sitting at home. And you know, who are getting access through their mobile, just a mobile, you know, which is just a mobile. And here, there is so much of access to that, you know, entertainment, which has just come out. So yeah, it's very. I'm very happy, and it's a very good thing. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. ट्रेलर में जो तीखी मीठी जो बातें हैं, इनका जो सब्जेक्ट है, उस हिसाब से उसमें जो नोक झोंक हैं, वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगा. और खैर, ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी तीनों की, जो भी ट्रेलर में दिखाया जा रहा था. और आई रियली होप कि आगे भी जब हम देखने बैठेंगे तो ये सारी नोक झोंक भी बहुत अच्छे से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं. Yes, I wish the whole team of Tikki Miki Live really, really all the best, and I really pray that, you know, more web series of this kind happen in Gujarati, and I really pray that, you know, a lot of people really enjoy this upcoming platforms that are coming up. Thank you.
आप ऐसे जा तो नहीं रहे हो ना, देख के जाओगे ना? हाँ मेरी तो फर्स्ट गुजराती फिल्म है और मैं इतना एक्साइटेड था जब मैंने हिंदी भी की थी तो मुझे ये लग रहा है कि ये मैं कुछ पहली बार कुछ डेब्यू आ रहा है और मैं फर्स्ट टाइम सारा काम कर रहा हूँ। जब इसने वो स्टोरी भी सुनाई, जब उसने लिखी और वो पूरे प्रोसेस में मैं साथ में था और वो जब करते गए तो ये ऐसा लगा कि दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू मेक। और इतने टाइम से जो चल रहा था और फाइनली एक ऐसी चीज़ जो हमको दिखानी है लोगों को, और वो भी एक OTT प्लेटफॉर्म जो सिर्फ गुजराती ही देता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे हैं, गुजराती में वैसा कुछ नहीं था। तो इट वॉज़ आर थिंग दैट लेट्स डू इट। और उसके बाद करते करते जो परिश्रम हुए, जिस टाइम फ्रेम में करना पड़ा, और ये भी कोरोना के टाइम पे उस लेवल पे करना पड़ा जिसमें प्रिकॉशंस हर जगह से लेने थे, हर जगह से एवरी सिंगल मिनट वो चीज़ लेनी थी, उसमें वो करना, वो हो गया, वो ऊपर वाला साथ में था, थिंग्स हैपेंड। बहुत एक्साइटिंग, कितनी तीखी और मीठी रही? दोनों रही, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, तीखा मीठा एंड कंप्लीट एक्सपीरियंस था। वी हैव हैड हार्डशिप्स, लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, बट वो सॉल्व करने का बहुत मज़ा था बिकॉज वी वर प्रोड्यूसिंग ऑल्सो एंड दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम, सो देर सो मेनी थिंग्स दैट वी डिडंट नो कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आएंगी, वो है, बट आई थिंक वी मेड अ गुड टीम एंड वी काइंड ऑफ हो गया अच्छे से एंड विद एवरीबडीज ब्लेसिंग्स इट हैपेंड। सो नाउ वी आर वेरी हैप्पी एंड वी एक्साइटेड कि सब लोग आए एंड देखे ये। सो या राइटिंग किया इन्होंने, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स भी इन्होंने लिखे। करना चाहते हैं बट अभी फिलहाल मैं एज प्रोड्यूसर एक्टर रहना चाहता हूँ। राइटिंग इनका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट फिलहाल राइटिंग नहीं है। तो ये राइटर हैं, बहुत तगड़ी हैं। आप ये फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत सरल तरीके से हर चीज़ समझाई गई है, बाप बेटी की कहानी, सिंपल। ऐसा कुछ वो आपको नहीं दिखेगा, ओ यहाँ से वो कूदा, यहाँ से वो कुछ, कुछ नहीं, बट अ वेरी सिंपल स्टोरी जिसमें आपको आंसू भी आएंगे, हंसी भी आएगी। द परफेक्ट इंग्रेडिएंट जो एक फैमिली में 7 साल के बेटे से लेकर 70 साल के ग्रैंडफादर बैठ के देख सके, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू मेक। और शायद हम इतने टाइम तक हम ऐसी ही फिल्में बनाते रहेंगे जहाँ पर क्लीन नीट इमेज हो, कोई किसी को शर्म ना आए देखने के लिए। नहीं, जेन्युइनली मैंने कोई गैप नहीं लिया। एक हाँ नहीं, एक जो बीच में मैंने एक प्रोजेक्ट किया वो रुक गया, वो चला, मतलब रिलीज़ नहीं हुई, और उसके बाद जेन्युइनली काम नहीं था क्योंकि कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता था। एवरीबॉडी वांटेड जो वो चल रहा है उसके साथ आप चल जाओ। तो वो करते करते टाइम लगा, रिजुविनेट करने को टाइम लगा कि ये क्या चीज़ होगी और आगे क्या करना है। तो वो करते करते एक चीज़ आने लगी कि क्यों ना हम एक ऐसी इंडस्ट्री करें जो ग्रो कर रही है, और जो ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में उस पर एक चीज़ जमाए कि यहाँ पर हम कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वो फिल्म बना रहे हैं जो शायद अब तक बनी है, नहीं बनी है, बट हम लोग कम से कम एज गुजरातीज एज वेल, हम वो गुजराती फिल्मों का, गुजराती इंडस्ट्री को एक नॉच अप पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पर बॉलीवुड भी चल रहा है। तो उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, उस इंडस्ट्री में कम लोग हैं, और वहाँ से भी आकर लोग बॉलीवुड में ही आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, सबको यहाँ ही आना है एंड ऑफ द डे। बट फिल्म, आई गेस फिल्म में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हैं जो भोजपुरी भी कर रहे हैं, दूसरी कोई फिल्में कर रहे हैं। तो हम लोग ये हैं कि गुजराती, वी डेफिनेटली वॉन्ट टू मेक हिंदी एज वेल, तो हम वो भी करेंगे, बट ऐसा गैप मैंने खुद नहीं सुना था, वो गैप आ गया था, बट अभी मुझे लगता है कि ये होने के बाद ऊपर वाला चाहेगा तो कभी गैप ना आए। मैडम, अब हम देख रहे हैं कि कंटेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपकी फिल्म के एक्टर इतने इम्पोर्टेंट और माने जाते हैं, आप कैसे देखती है जो बदलाव आ रहा है? अब हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जीरो सारे आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी विथ इट, और यही होना भी चाहिए, कॉन्टेंट शुड बी द किंग। एंड OTT की वजह से सो मेनी पीपल आर गेटिंग चांस, देयर सो मेनी टैलेंटेड पीपल हु हैड नो प्लेस टू शो देयर टैलेंट, यू नो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ें बदल रही है, एंड आई थिंक अब ऑडियंस भी बहुत जागरूक हो रही है, यू नो, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आई थिंक कि देखो और सब लोग देखो और जितना शेयर करना चाहो करो, क्योंकि ये एक
फिल्म ऐसी बनी है जो शायद ही आप ऐसे वो मौका नहीं आएगा कि एक ही सेकंड में बोलता हूँ वापस। हाँ वो आवाज़ आ गया ना। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ क्योंकि ये जैसा बजा मैं डिस्टर्ब हो गया कि बोल गया रहा, इसका हम रिटर्न में करते हैं। थैंक यू। तीखी मीठी लाइफ, तीखी मीठी लाइफ वो हिंदी में बोलना है। एक अच्छा अनुभव रहा और ऐसा ही कुछ काम मैं करना चाह रहा था और एक एक्टर को सेटिस्फैक्शन दे, संतोषकारक काम हो, ऐसा एक ये प्रोजेक्ट है। हम सभी जिस इसमें जो जुड़े हैं, हमारे डायरेक्टर है, राइटर्स है, प्रोड्यूसर्स है, टेक्नीशियंस है, काफ़ी अच्छे लेवल पर ये सब काम हुआ है, वेल प्लान्ड हुआ है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऑडियंस को भी वो बदलाव दिखेगा कि इंडस्ट्री में इस किस्म का काम हो रहा है, वो भी गुजराती इंडस्ट्री में। मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा मीडिया है, वक्त के साथ जब इतनी सारी पाबंदियां आ गई है, ये जो पिछले 6 महीने में पूरे विश्व ने फेस किया है, उसके बावजूद एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, बिजनेस के लिए ये जो एक माध्यम खुला है वो वाकई एक वरदान रूप है। इसे स्वीकारना चाहिए, अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ ये ही मैं तो खैर मैसेज क्या दूंगा, लेकिन ज़रूर कहूंगा कि एक नज़र से देखे तो हर एक इंसान अच्छा ही होता है। कभी कहीं अच्छा बुरा गलत सही हो जाता है, लेकिन उस वजह से किसी को उसके बारे में एक जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। वक्त के साथ उसे भुला देना चाहिए, बुरी बातों को और अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और एक दूसरे को साथ देना चाहिए। ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है और देखिए क्या है ना कि गुजराती वेब सीरीज़ के लिए सबसे पहला प्रीमियर हो रहा, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो दौर है, आज का दौर है, जहाँ पर गुजराती फिल्म्स, गुजराती वेब सीरीज़, गुजराती एक्टर्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो इट्सेल्फ बहुत कुछ प्रूव करता है कि हमारे लिए आगे कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है सबके लिए। एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड द मेकर्स ऑफ कोर्स। जी सी, मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो दौर आया है हमारा OTT प्लेटफॉर्म का, और जहाँ पर हम ये गुजराती वेब सीरीज़ उसका सबसे पहला प्रीमियर होने जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके सक्सेस पर हम डेफिनेटली ये बहुत सक्सेसफुल होगी, बिकॉज़ ये एक तो ये
इस तरह का एक पहला जो माइलस्टोन वो लोग उन लोगों ने क्रिएट किया है वो पहली बार होने जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि कास्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन आप देखिए, जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो स्टोरी की केमिस्ट्री है, एक्टर्स की केमिस्ट्री, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी रियलिस्टिक जोन पे हम जा रहे हैं। देखिए पहले पहले क्या होता था कि हम लोगों को लगता था कि भाई रीजनल है, लेकिन आज रीजनल हो, एक अच्छा वेब सीरीज़ अगर होगा तो वो रीजनल भी होगा, गुजराती भी होगा, वेल मेड होगा, वेल परफॉर्म्ड होगा, तो वो डेफिनेटली लोगों तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। एंड आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, ट्रेलर में बिकॉज जीनल इज़ फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत अच्छी एक्टर है। काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता हूँ मैं मेरे दोस्तों को कि ये वाली चीज़ कर सकते थे, बट जीनल ने अपने लॉन्च से ही, जो उसकी फिल्म थी उसके बाद से ही, शी हैज़ डन अ गुड जॉब। और अभी ये वाला ट्रेलर देखने के बाद मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैं बोला बहुत सारू ट्रेलर थे, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अरे यार मुझे तो मज़ा आएगा अगर मुझे ऐसा कुछ करने को मिले, लेकिन मेरी गुजराती मैं थोड़ी ठीक करने की कोशिश करूँगा, तो डेफिनेटली शायद हो सकता है जीनल के साथ ही कुछ प्रोजेक्ट कर लूँ मैं। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सी यू।